क्या रीवा की एंट्री से बदल जाएगी पूरी कहानी? क्या ईशान सच में सभी को छोड़कर रीवा को एक्सेप्ट कर लेगा? वेल दोस्तों, स्टार प्लस के सीरियल गुम है किसी के प्यार में की कहानी में काफी सारे नए ट्विस्ट आने वाले हैं। जहां पर कल से फैंस ने वो प्रोमो देखा है तो फैंस हैरान हो गए हैं। जहां एक तरफ सीरियल में अभी ईशान सभी को मनाने की कोशिश कर रहा है, उसको मनाने के लिए अपने रूल्स को तोड़ रहा है, तो वहीं फैंस खुश हो रहे थे कि सभी ईशान अब जल्द ही एक हो जाएंगे। लेकिन एक प्रोमो सामने आया। प्रोमो में जैसे ही फैंस ने देखा कि रीवा की एंट्री हुई है और रीवा ने ईशान को कॉल करके डिस्टर्ब कर दिया है उस टाइम पर जब ईशान सभी को प्रपोज करने ही वाला था। लेकिन जैसे ही फैंस ने ये प्रोमो देखा तो कहीं ना कहीं फैंस की एक्साइटमेंट का लेवल बढ़ा भी, तो कुछ फैंस ईशान और सभी के लिए दुखी भी हो गए। तो वहीं पर आप देख सकते हैं एक और नया प्रोमो सामने आया है जहां पर फिर से फैंस कंफ्यूज हो गए हैं, क्योंकि इस बार दुर्वा जो है वो सुरेखा से कह रही है कि अरे अरे, आपको पता है कि ईशान और सभी के बारे में कॉलेज में कैसी कैसी बातें हो रही है, सबको लगता है कि ईशान और सभी का कुछ चल रहा है। लेकिन वहीं पर सुरेखा जो है वो ये कहती है कि वो एक लड़की ढूंढेगी। तो वहीं पर आज ईशान जो है सबके सामने सभी के लिए कॉलेज में एक कॉम्पिटिशन करवाने वाला है। ये कॉम्पिटिशन पिज्जा कॉम्पिटिशन होगा। आप देख सकते हैं ईशान अपने लेक्चर को छोड़ के अपने ब्रेक टाइम में आता है और सब बच्चों को खुश कर देता है। वो कहता है चलो चलो, बहुत पढ़ लिए, अब एक पिज्जा कॉम्पिटिशन करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ईशान को तो सभी के नजदीक जाना था। वहीं पर सभी जो है कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने से मना करती है, बट यहाँ ईशान जो है सभी को किसी न किसी तरीके से मना ही लेता है। अब कॉम्पिटिशन के बीच में ईशान सभी से बात करने की कोशिश करता है। वो कहता है जो रिलेशन हमारा पहले था उसे कंटिन्यू रखते हैं। इस पर सभी मना कर देती है और कहती है नहीं, आप प्रोफेसर हैं, अब वही बनकर रहिए, ये गुरु वाला ड्रामा अब मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी गुरु इस तरह से अपने स्टूडेंट को नहीं डांटता है। अभी सारी चीजें तो हो गई, लेकिन कल वाला जो प्रोमो हमने देखा था, प्रोमो बहुत धमाकेदार था। हम देख सकते हैं कैसे सभी के बर्थडे का सेलिब्रेशन हो रहा है, जहां पर सभी जो है बहुत खुश है। वहीं ईशा मैम भी आई हुई है, क्योंकि ईशान ने सभी के लिए ईशा को भी बुलाया है। तो वहीं पर ईशान जो है अब बहुत खुश है, क्योंकि उसको कुछ नया एहसास हो रहा है। उसको लग रहा है कि वो सभी से प्यार करने लगा है, और यही बातें वो सभी से कहीं ना कहीं कहने ही जा रहा होता है। वो सभी के साथ सेल्फी लेता है और कहता है चलो नई शुरुआत करते हैं। लेकिन तभी ईशान का अतीत आ जाता है और उसके फोन में रीवा का नंबर आता है। जैसे ईशान उससे बात करने जाता है तो रीवा बोलती है कि ईशान, मैं इंडिया वापस आ रही हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। ये प्रोमो देखकर फैंस बेहद एक्साइटेड हो गए हैं, क्योंकि फिर से सीरियल में लव ट्रायंगल दिखाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि क्या ईशान सच में सभी को छोड़कर फिर से रीवा के पास चला जाएगा, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि रीवा के आने से बहुत बड़े बड़े धमाके होने वाले हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा जरूर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टीवी बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो जल्दी से इसे भी फॉलो करें।